अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशाज कुकिंग एंड ब्लॉग्स। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही चटपटे मोमोज की रेसिपी। ये सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया 200 ग्राम मैदा और उसमें डाल लिया स्वाद अनुसार नमक और फॉर्च्यून ऑयल 2 टेबल स्पून। उन सभी को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। और अब उसमें थोड़ा सा गूंदने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा 2 से 3 बार पानी डालना है और उसे अच्छे से गूंद लेना है। हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है, गूंद चुका है अच्छे से। अब मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। उसे गर्म होने के बाद उसमें डाल दिया है मैंने 8 से 10 बारीक कटे हुए लहसुन की कलियाँ। और उसमें डाल दिया है बारीक ग्रेट किया हुआ बंद गोभी और गाजर। गाजर आपके लिए ऑप्शनल है। उसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और उन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे हमें कुक कर लेना है जब तक जो उसका सब्जी का पानी है ना वो अच्छे से कुक ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी मोमोज की स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो बढ़ते हैं चटनी की तरफ। एक पैन में मैंने डाल दिया पानी, उसमें टमाटर और 6 से 7 लाल मिर्च सूखी हुई। उन सभी को हमें बॉईल कर लेना है और बॉईल करने के बाद टमाटर की स्किन को अलग कर देना है। अब एक मिक्सर जार में टमाटर और मिर्च को डालकर हमें उसे ग्राइंड कर लेना है। एक पैन में फिर से एक तेल डालकर 8 से 10 लहसुन की कली डालकर उसे सॉटे कर लेना है और उसमें ग्राइंड की हुई चटनी को डालना है। अब एक नींबू का रस और 1/2 चम्मच नमक डालकर उसे 3 से 4 मिनट कुक करना है। और हमारा डो भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है। अब इसकी हमें छोटी छोटी लोई बनाकर पूरी की तरह उसे पतला करके बेल लेना है। तो ये तो अच्छे तरीके से पतला हो चुका है। अब बारी आती है इसमें स्टफिंग डालने की। स्टफिंग डालकर इसे हमें एक छोटी सी पोटली की तरह बंद कर देना है। अब ठीक उसी तरीके से मैंने एक और पूरी को बेल लिया है पतला सा, और उसमें मैंने स्टफिंग को डालकर आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से मार्केट के दिखने वाले मोमोज बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए आपको अंदर की तरफ उसके कोने को डालकर ऊपर नीचे की तरफ से दोनों को दबाना है हल्के हाथ से। आपको ठीक इसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको आई होप बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। और इस तरीके से आपके जो मोमोज है बिल्कुल मार्केट की तरह दिखेंगे। कोई भी यकीन भी नहीं कर पाएगा कि आपने घर पर ही रेसिपी बनाई है। ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिएगा घर पर। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, आपको ठीक इसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करते रहना है। और ये एंड में आपको इसके कोनों को एक दूसरे के साथ मिला देना है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे जो मार्केट की तरह दिखने वाले मोमोज है बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। फिल कर चुकी हूँ मैंने और इन्हें मैंने एक स्टीमर पे रख दिया, उसमें हल्का सा तेल लगाकर, और इन्हें कवर करके रख देना है कम से कम 30 मिनट तक के लिए। और हमारे मोमोज बनकर मार्केट जैसे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं अपने नए व्यूअर से और नए दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप सभी को मेरी वीडियो वर्थ वॉचिंग लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों।